अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरे टाउन कराची से रिलेटेड आपको अपडेट देंगे, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, एक एक करके हर प्रश्न को लेकर आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि वहां पे इन्वेस्टमेंट रखी जाए या उसको बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाए। मोहसिन, कायद विला के बारे में तुम्हारी क्या राय है यार? कायद विला से बेहतर है उसको बेच कर आप पेशेंट 6, पेशेंट 8, पेशेंट 16 यहाँ पे प्लॉट लें और कंस्ट्रक्शन करें। बिल्कुल ठीक है, क्या वजह तुम कंस्ट्रक्शन के बारे में क्यों कह रहे हो? कायद विला को बेच के बिल्कुल शुरू में यार। कंस्ट्रक्शन के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी क्वालिटी है वो बहुत हल्की है और जो आपने कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, इसके साथ में एक और बात एड ऑन करता चलूं कि अगर हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो पहले तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था, 6, 8, 16 इतने मौजूद नहीं थे, वहां इतने मकान नहीं बने हुए थे। आज हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर साल डेढ़ साल के अंदर हम मकान बनाकर कंप्लीट भी कर लेते तो वहां हम रिहाइश कर सकते हैं, ऊपर किराए पे देते हैं या नीचे रह लें, इस तरह का ऑप्शन है। एक बाल विला 11 एकड़ विला जो 150 गज का विला, उसके बारे में क्या रहा है तुम्हारी? उसका जो मुतबादल है उसको बेचकर आप 125 गज के प्लॉट ले सकते हैं, पेशन 10 में, 11 में, अली ब्लॉक में, ठीक है, 14 में, 15 में, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। या तो 150 गज का विला बेच के, तो जब हम जाते हैं अली ब्लॉक में प्लॉट देखते हैं 125 गज का, तो वो छोटा लगता है बहुत ज्यादा, तो हम 150 गज का विला बेचिए 125 गज का लें, उस बजट में आपको कैटेगरी प्लॉट मिल जाएगा। जिस बजट में आप विला लेंगे 150 गज का, उसी बजट में आप कैटेगरी प्लॉट लेंगे। मतलब आप विचार है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा एक बाल विला और उसका पिछन 11B का विला अगर 175 से 190 के दरमियान आज ट्रेड हो रहा है, तो हम कोई कैटेगरी प्लॉट 11B में, 10B में हमें तकरीबन 150 गज का कॉर्नर या सेमी कॉर्नर हमें मिल जाएगा। अच्छा प्लॉट तकरीबन कितने मिल जाएगा? 70-75 लाख, 70 से 80 कर लो, ताकि क्योंकि कैटेगरी प्लॉट में मिलना मुश्किल होता है, 70 से 80 लाख के करीब हम वहां पर 150 गज का कोई प्लॉट ढूंढे 11 में, 10 में, 14 में, 15 में, कोई अली ब्लॉक में मिल जाए 150 गज का, अगर वहां हमें कोई ऑप्शन मिलता है तो वहां लेके उसको कंस्ट्रक्शन कराए तो वो कंपैरेटिवली इससे बेहतर ही होगा और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत बेहतर होगी। ये तुम्हारा बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, क्या इसके बाद थर्ड ऑप्शन है यार पिशन 19, 24 पिशन किया टावर बने हुए हैं, उसमें पिशन 2 की जो 2 बेड वाले अपार्टमेंट है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? 2 बेड अपार्टमेंट की इस टाइम कीमत जो है वो 90 से 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि अगर जिसकी रिहाइश है उसकी मजबूरी है उसे रहना है तो वो तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आगे आगे जाके ऑप्शन बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। और अगर जो कोई बंदा रेंट खाना चाह रहा है तो वो उसको मशवरा ये है कि उसको बेचे मिडवे में या कमर्शियल एरिया, जहाँ भी जिना कमर्शियल जिना पे या वहाँ पे वो कमर्शियल ले ले और उसको इससे ज्यादा रेंट मिल जाएगा। मिडवे भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब हाँ आगे जाके उसको ऑफिस क्यों वजह क्या वजह उसके रेंट की क्या रेंट की क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ बताओ? रेंट की अपॉर्चुनिटी अपार्टमेंट की आपकी 30 से 35 हजार अपार्टमेंट से, 2 बेड अपार्टमेंट से, 2 बेड अपार्टमेंट 35 हजार कर लो बिल्कुल। और उसी अमाउंट में अगर आप ऑफिस लेते हैं 90-95 लाख का, तो आपको 50 हजार के आसपास रेंट मिल जाता है। कितने स्क्वायर फीट मिल जाएगा ऑफिस हमें वहाँ पे 90 लाख में या 50 लाख में? 900 स्क्वायर फीट, मतलब 10,000-12,000 स्क्वायर फीट अगर हम लगाएं ओवरऑल जी, तो हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है ऑफिस का, मेन जिना पे ले लें, मिडवे में ले लें, जो 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाए चीज, 12,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाए और उस पे आप तकरीबन मिनिमम 50 से 60 हजार पे रेंट ले सकते हैं और लोग ले भी रहे हैं वैसे, बिल्कुल रेंट के लिहाज से वो बेहतर है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, लगता है कि फ्लैट का और ऑफिस का दोनों मैच्योर हो चुके हैं, दोनों बढ़ने की गुंजाइश है? देखिए, जो ऑफिस की बात है, ऑफिस अभी जिस तरह वहाँ पे लोग आबाद हो रहे हैं, जिस तरह पूरे शहर से लोग वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑफिस की नीड बहुत ज्यादा है, तो जिस वजह से ऑफिस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और अपार्टमेंट्स की रही बात, अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिस वजह से उनकी जो सप्लाई है वो आ जाएगी। मतलब मेरी राय के मुताबिक, मेरी राय का मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही अभी मैच्योर टाइम पर हैं, फ्लैट का रेट भी बढ़ चुका है और ऑफिस का रेट भी बढ़ चुका है, और आगे जाके फ्लैट की जो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये तुम्हारा बात सही है। लेकिन ये अभी मिडवे में भी तो बन रही है चीजें कमर्शियल, या तो वो उसका भी आप मार्केट चेक करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, जो ऑन रेडी चीजें हैं वो चीजें नहीं है अभी लोगों के पास, सप्लाई नहीं है। और आगे जाके जो आगे अगर ऑफिस आ भी रहे हैं तो ऑफिस नहीं आ रहे, ज्यादातर फ्लैट्स आ रहे हैं, अगर हम देखें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसके बाद और तुम्हारी क्या राय है? उसके अलावा हमने पिछले 19 को 3 बेड को बताओ, 3 बेड के बारे में क्या राय है? 3 बेड के बारे में राय ये है कि 3 बेड को बेच के आप, 3 बेड का जो अपार्टमेंट है उसको बेच कर आप पर्सेंट 10, 11 अली ब्लॉक ये इसको बेच के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पिशन 3 बेड अपार्टमेंट तकरीबन आप समझ लें कि होगा 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास, तो उससे बेहतर है कि आप 150 गज का या 125 गज का विला ले लें। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसी जो आपने उसके लिए अप्लाई किया 150 गज के विला के लिए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर हम 4 बेड की बात करें तो 4 बेड भी उसका रेट 2.5 से 3.5 चला गया, तो वो मेरे लिए मेरे नजदीक ये है कि 4 बेड को 250 गज पे चले, मतलब 250 गज पुरानी कंस्ट्रक्शन, मतलब जो बैरेडों की कंस्ट्रक्शन है ना उससे भाईजान मेरे जरा बेदार लगते हैं, आप लगता है कि खुश नहीं उससे भाई मेरे, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो खुद की कंस्ट्रक्शन है ना उसकी बेडों की
वो बहुत खस्ता है, बहुत ज्यादा, और आगे जाके डेप्रिशिएट भी हो रही है ना। आप आगे जाके अपने लिहाज से मकान बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जो बहनों मकान बना रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत हाई उसने क्वालिटी रखी हुई, हाई उसने स्टैंडर्ड रखे हुए। अच्छा, अगर हम पिशन सेवन की बात करें हजार गज की, उसके बारे में क्या रहा है? पिशन सेवन का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि 3 करोड़ का प्लॉट है हजार गज का, ठीक है, इसको होल्ड करना चाहिए, 2-3 साल में ये डबल हो जाएगा, 2-3 साल में आपको लगता है डबल हो जाएगा। और 3 करोड़ लोगों कुछ अवेलेबल भी नहीं है, अगर हम डीएचसी की गाची की बात भी करते हैं तो वो बिल्कुल जंगल में हमें पिशन 7 और 8 में या हमें 5 में 3-3 करोड़ रुपए के प्लॉट मिलते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि हम यहाँ पे एक मतलब अगर रखा हुआ है तो होल्ड करके रखें, होल्ड करना चाहिए। पिशन 29, 33, 37 के बारे में क्या रहा है? ये 3 सेक्टर जो पीछे के उसके बारे में क्या रहा है? 29, 33, 37 ये 500 गज के प्रेसेंट्स हैं, ये इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के आसपास है, ठीक है, ओके। और यही अगर आप डीसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल पीछे के जो सेक्टर है 15-16 वहाँ 15-16 के करीब जो हमें 1 करोड़ 1.5 लाख की रेंज मिलती है, जबकि हमें पिशन 33 में 1-1.5 करोड़ में चीज मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, ठीक है। तो वो वहाँ बिल्कुल पीछे जाने से बेहतर है कि पिशन 33 में जाया जाए, 33 में जाया जाए, 37 में जाया जाए। और अगर अगर ऑलरेडी रखा हुआ है जी और बैकडाउन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होल्ड करें या वहां चले जाएं? बिल्कुल होल्ड करें, बिल्कुल होल्ड करें। अच्छा, और जो लोग परेशान हुए हैं बैकडाउन से उनको सिटी जाने का मशवरा दोगे? नहीं, अब फिलहाल तो कोई मशवरा नहीं है। क्या वजह सिटी की, उन्हें क्या वजह रोक रहे हो यार? दुनिया जा रही है, तुम क्या रोक रहे हो? बहरिया में जिस तरह डेवलपमेंट है उस तरह सिटी में डेवलपमेंट नहीं है, और मजीद आगे जाके डेवलपमेंट और तेज हो रही है। ये इसकी राय है, ये मेरी राय है, इसकी राय मेरी राय के मुताबिक। तो भाई जो आपको अच्छा लगता है ना, सिटी अच्छा लगे सिटी करें, बहनों अच्छा लगता है बहनों करें, अगर आपने कोई चीज बहनों में परचेज की हुई है ऑलरेडी तो उसको होल्ड करें, बिना मुझे ट्रांजेक्शन ना करें। और अगर आपने कोई नई चीज परचेज करनी है तो डेवलपमेंट के लिहाज से या डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से जो आपको प्रेफर करता है आप वहां अपने आपको शिफ्ट कर लें। 32, 22 और 45, ये 3 के बारे में क्या फ्यूचर तुम्हारा? इनकी जो प्राइस रेंज है वो है 65 लाख रुपए से लेकर 75 लाख, 80 लाख, 75-80 लाख रुपए, ठीक है। तो इस रेंज में आपको डीएचए सिटी में सेक्टर 13-11 में 300 गज का प्लॉट मिलता है, वो भी बिल्कुल कोने में, बिल्कुल नोक पे जाके। सही है, ठीक है। और 14B भी नहीं मिल रहा, 14B 300 भी नहीं मिल रहा बिल्कुल इस प्राइस में, और ये जगह डेवलप भी नहीं है, ना 13 ना 11, ठीक है, सही है। 13F की बात कर रहा हूँ, 11E की बात कर रहा हूँ, और 4A भी जो मिलता है वो 90 लाख में मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं डीएचसी गाची में तीनों को लेने का। और ये तीनों प्रेजेंट ऑन ग्राउंड डेवलप्ड है, इसमें आप घर बना सकते हैं प्लॉट लेके। तो इस लिहाज से तो लॉजिक तुम्हारी ठीक है, चलो वहां तो ऑप्शन मौजूद है ना 500 गज में, यहाँ ऑप्शन मौजूद नहीं 300 गज का, तो उससे तो 125 बेहतर है 14B, या ये बेहतर है 22-40? बजट थोड़ा सा अच्छा है तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है 14B 125 से बेहतर है। अब 250 गज मिल रहा है यार, 250 गज मिल रहा है, मतलब अगर आप थोड़ा रेस बेहतर कर लेते हैं तो। और अच्छा, आगे मार्केट 23-24 के लिहाज से क्या लग रही है, 15A के लिहाज से क्या लग रही है, क्या करते हो, क्या कहाँ जाना चाहिए? देखिए 15A शुरू में लगता है, 15 की बैक साइड पे लगता है, और वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत स्पीड से चल रही है, 15A की बात कर रहा हूँ, 15 डेवलप्ड है। तो जिनके पास 23-24 में प्लॉट्स हैं उनको मशवरा ये है कि उसको बेचें और शुरू में आ जाए 15A 15B ना। अभी फौरन आ जाए जब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग है, या क्या करें? थोड़ा रुकें, नहीं सेल करके थोड़ा सा वेट करें फिर परचेज करें, मतलब परचेजिंग बनती है, सोच समझ के क्लेवर परचेजिंग बनती है, चांस की कोई डील मिले तो लेनी चाहिए, और अपना चीज तसल्ली से बेचनी चाहिए, रोक कर बेचें, तसल्ली से बेचें, बिल्कुल गिरा कर नहीं बेचें अपनी प्रॉपर्टी को, ऐसी बिल्कुल। तो जिन्होंने 15 ए भी लिया उनको क्या कहोगे, होल्ड करें या क्या करें? बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि डेवलपमेंट का जो काम है ना वो रोडें कच्ची डल चुकी हैं, बस ये आगे जाके जैसे ही फिनिशिंग पे आएंगे तो इनके प्राइसेस 14-15 के बराबर आ जाएंगे। अली ब्लॉक और 15 के बारे में क्या रहा है? अली ब्लॉक 15 जो है ना इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं है, कंस्ट्रक्शन की जगह है, यहाँ पे आप प्लॉट लें और घर बनाएं। पिशन 4 के बारे में क्या रहा है? पिशन 4 में भी यूज निकल चुका है, उससे बेहतर है कि आप हिल्स में चले जाएं, और हिल्स में जाके मकान बनाएं या इन्वेस्टमेंट करें? इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन यार टॉप क्लास लोकेशन है, हिल्स तो बेहतरीन लोकेशन है। अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो हम रख भी सकते हैं उसको लंबा 3-4 साल, और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी अच्छा है, 4 पीछे की तरफ आ जाता थोड़ा, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ना, तो उस लिहाज से। बाकी कोई एरिया रह गया तुम्हारी नजर में? 15 एरिया में कवर कर लिया, 15 कवर कर लिया, और तुम्हारी नजर में एरिया रह गया? उसके अलावा 27 भी अच्छा परसेंट है, 28 भी अच्छा है। 27 के बारे में क्या रहा है यार? 27 से जिस रेंज में 27 से है 1.5 करोड़ की रेंज में, उस रेंज में एक तो बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल अली ब्लॉक के साथ है, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बहुत अच्छा मकान बना सकते हैं, बहुत अच्छा परसेंट है, बहुत अच्छा परसेंट है, मतलब आप आज जो है ना आज आप वहाँ मकान बना सकते हैं, बिल्कुल सामने अली ब्लॉक है तो कमर्शियल बन रहा है, बिल्कुल लंडन ब्रिज, बिल्कुल लंडन ब्रिज में मुझे लगता है कि 28-27 बोल गया भाई, 125 गज में 27 और 28-27 में तो विलास में वादी भी आ गई है, जो बहरिया के विलास है,
तो उसको देखा देखी जो जिनके प्लॉट है उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है और बहुत स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रही है। मतलब आप वहाँ एक बार विला और 11 बी वाले विला को भी यहाँ पे भेज सकते हैं। और 27 विला 31 विलास के बारे में क्या रहे? 27 और 31 के विलास लेने चाहिए जिस प्राइस रेंज में विलास है, 180 190 दो की रेंज में, तो इस रेंज में 235 गज का विला बिल्कुल लेना चाहिए। और स्पोर्ट सिटी विला, स्पोर्ट सिटी विला वो 350 गज का है, वो 3.5 के आसपास का रेट है, तो वो भी अच्छी है। 350 गज के प्लॉट लेके हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, इस लिहाज से कि हम मार्केट में कोई चीज लें तो 350 गज प्लॉट ले और कंस्ट्रक्शन करें, सस्ता है बिल्कुल। बेशक क्वालिटी उसकी पिछले 10-11 से बेहतर है या वैसे ही है, 19-20 है, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन पैराडाइज विला की बहुत बेहतर है। 500 गज की पैराडाइज विला के बारे में क्या बोलोगे? 20 की ऑप्शन है, 4.5 करोड़ रुपए में आपको 500 गज का विला घर बना बनाया जमीन के समय कहीं भी नहीं मिलता। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसे भी होल्ड करना चाहिए। बाकी प्रॉपर्टी यार होल्ड करने की चीज है, ये नहीं कि बस मार्केट में हड़ाहड़ी मचाएं हम और भेज दें या रख लें। जब बहुत ज्यादा बायर आते हैं ना, मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती है, अभी आजकल बहुत तेजी से सेलर आया हुआ है, तो मार्केट में थोड़ी सी क्रेशन 4-5 लाख आ रही है। प्रॉपर्टी उसको होल्ड करें मजबूती से, जवानों का काम है, मर्दों का काम है, उसको जरा होल्ड से करें भाई और मजबूती से काम करें। प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती, प्रॉपर्टी कोई दुख नहीं देती, थोड़ा होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा वक्त बहुत हमने देखा है 2021 में, मजीद हम 2022-23 को बहुत बेहतर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर सर, और कोई काम होगा इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करेंगे। पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा, कोई भी बात हो पूछ लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू।